दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप सभी दीपावली मनाइए और खुशियां घर में बांटिए और सभी में बांटिए और खुद को भी खुश कीजिए। दीपावली दीपों का त्यौहार रहता है, तो आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि मिट्टी से बने जितने भी दीप होते हैं उन्हें घर उनसे घर को सजाएं अच्छी तरीका से, बहुत अच्छा से घर सजाएं। और ये देखिए, तो जिस तरह से ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हरी भरी पेड़ पौधों से ही कितना अच्छा लगता है, तो उसी तरह जब आप और हम दीपों से अपना घर सजाते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और जो है सुंदर लगता है और आनंद भी आता है। तो दीपों का त्यौहार है तो दीपों का ही सजावट कीजिए। चाइनीज लाइट हो गया और इस तरह से बहुत सारी लाइट्स हैं, वो लाइट लगा करके घर का रौनक और बिगड़ जाता है, लेकिन देखने वाले कुछ होते हैं, लगाने वाले कुछ होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं मेरा घर बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए, जो त्यौहार जिस लिए होता है उसका उपयोग करना बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर दीप जलाते हैं तो उससे दो खुशी मिलती है, एक खुशी कि आपका घर सजता है और बहुत अच्छा लगता है और आप दीपों का त्यौहार मना रहे होते हैं, और दूसरी खुशी होती है कि जो इंसान अपना घर को खुशी करने के लिए, अपने घर के परिवार को खुश करने के लिए दीप बनाते हैं, उनको जो है कुछ दीपें बिकती है तो उनके घर में भी कुछ खुशियां आती हैं और उनका परिवार भी खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग जब दीप खरीदते हैं तो उसी पैसे से वो अपना दीपावली मनाते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि हम लोग अपने संस्कृति को बचाए रखें और बचाने का प्रयास करें, हम लोग का जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग खुद ही अपने संस्कृति को बचाने में कामयाब नहीं होते हैं, उसे बिगाड़ने में हमेशा कामयाब होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं हूँ पांडव कुमार राज, आप सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।